which is a good business model that can be successful in every situation. अगर इंडिया की जीडीपी का हम ब्रेकअप देखें तो 60% सर्विस सेक्टर से आता है, 20% एग्रीकल्चरल सेक्टर से और लगभग 20% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो टॉप 20 इकोनॉमीज से डेटा ये मिलता है कि जिन्होंने ग्रो किया है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ग्रो किया है। तो ये हम कैसे पहचान लें कि कौन सा बिजनेस अच्छा है और कौन सा लॉन्ग टर्म है और कौन सा पेंडेमिक जैसी चीज़ों में इफेक्ट नहीं होता। जिन बिजनेसेस को हम समझते थे बहुत प्रॉस्परस थे पेंडेमिक के पहले, जैसे एयरलाइंस बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, ये सब पेंडेमिक के होते आज स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। तो कौन सा बिजनेस मॉडल है जो चल रहा है? तो एजुकेशन, फूड और हेल्थ तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पेंडेमिक के बावजूद भी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब हमें वो सेक्टर्स का चयन करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं ये हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे।